प्रतिस्पर्धा आरंभ होती है। आशा है दोनों दल तैयार हैं। हम तैयार हैं। तो ठीक है, ये है प्रथम पहेली। सीधी होकर नीर पिलाती, उल्टी होकर दिन कहलाती, बताओ मैं कौन। कैसी पहेली है, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। सोचो मित्रों सोचो, अन्यथा हम हार जाएंगे। हाँ नदी। चलो साथियों शीघ्र चलो। अरे मित्रों शीघ्र चलो नदी की ओर। बाल लीला, बाल लीला, बाल लीला।
लंबा तन और बड़ा नहीं गोल, मीठे रहते मेरे बोल, तन पे मेरे होते छेद, भाषा का मैं करूं भेद, तो बताओ मैं कौन? कान्हा शीघ्र करो, क्या है इसका हल? दाऊ, मिल गया उत्तर, बांसुरी। किंतु बांसुरी से अर्थ क्या कहा जाए हम? कान्हा, बांसुरी बांस से बनती है, इसका अर्थ है हमें बांस के वृक्षों की ओर जाना होगा। चलो मित्रों, चलते हैं। हाँ बांसुरी, आओ मेरे साथ। सोने की वह वस्तु है पर बेचे नहीं सुनार, मोल तो बहुत है नहीं पर बहुत है उसका भार। इसका उत्तर है शैया। सोने की शैया तो राजा की होती है। मैंने एक शैया देखी थी वन में, अवश्य हमें वही जाना होगा। चलो सब। ये इस खेल का अंतिम पड़ाव है और ये अवश्य पीपल के पेड़ के आसपास ही होगा। हमें वहीं चलना चाहिए। सावधान हो जाओ माखन जोर सेना, तुम्हारे प्रतिद्वंदी तुमसे अधिक कुशल निकले। अब तुम लोगों की मस्ती यहाँ नहीं चलने वाली। अर्थात मेरे लल्ला को आज माखन नहीं मिलेगा? कान्हा, मुझे लगा था तुम छल नहीं करोगे। कान्हा, हाँ आपको बिल्कुल उचित लग रहा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया,
परंतु जहाँ प्रश्न माखन का हो तो बांसुरी का उपयोग तो कर ही सकते थे ना दाऊ। प्रभु कैसी अलौकिक जोड़ी है ये, हम धन्य हो गए प्रभु, हम धन्य हो गए, नारायण नारायण। आपने बिल्कुल सही कहा ऋषिवर, मेरे लिए भी धरती पर ये 5 वर्ष काटना सरल नहीं था। क्या करूं, देवी लक्ष्मी के साथ साथ रहने का अभ्यास जो हो गया है, देवी लक्ष्मी के बिना मन ही नहीं लगता, और इसीलिए इस बार मैंने उनका स्मरण जल्द ही किया है। नारायण नारायण। प्रभु क्षमा चाहते हैं, किंतु इस बार से आपका तात्पर्य क्या था? ऋषिवर, त्रेता युग के राम अवतार में मुझे इनकी अधिक प्रतीक्षा करनी पड़ी, किंतु इस बार मैं अधिक प्रतीक्षा नहीं करना चाहता। नारायण नारायण। समझ गए प्रभु, हम सब समझ गए, आपकी ये लीला भी मन को लुभाने वाली है प्रभु। ये तो बस आरंभ है ऋषिवर, अब आप देखते जाइए आने वाले समय में गोकुलवासी कैसी कैसी अविस्मरणीय लीलाओं के साक्षी बनेंगे। शुक्राचार्य को आने में इतना विलंब क्यों हो रहा है, कहां रह गए दैत्य गुरु शुक्राचार्य? इतने व्यथित क्यों हो कंस? व्यथित मैं? व्यथित तो आपको होना चाहिए, क्योंकि वो नन्ना सा बालक कृष्णा मेरा उपहास नहीं उड़ा रहा, आपका उपहास उड़ा रहा है, दैत्य गुरु शुक्राचार्य का उपहास उड़ा रहा है, क्योंकि आपका एक भी दैत्य उसके समक्ष खड़ा नहीं हो पाया। कृष्णा तो छोड़िए, अब तो बलराम ने भी हमारे दैत्य को मारना शुरू कर दिया है। अभी आप ही सोचिए, क्या कृष्णा कम था जो ये बलराम भी हमारे मार्ग में आके खड़ा हो गया? वो तो दूर नहीं दैत्य गुरु शुक्राचार्य, जब गोकुल का बच्चा बच्चा हमारे दैत्यों को खिलौनों के भांति खेलेगा। और आप कह रहे हैं कि मैं दैत्य ना हूं? शांत कंस शांत। शांत नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता, जब तक कृष्णा का अंत नहीं होता मैं शांत नहीं रह सकता, मैं हाथ पे हाथ धरे नहीं रह सकता। शुक्राचार्य कुछ कीजिए, या तो उस कृष्णा का अंत कीजिए या फिर संपूर्ण गोकुल को नष्ट कर दीजिए। शांत हो जाओ कंस, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखो, क्रोध से किसी समस्या का समाधान नहीं निकलता अपितु शांत चित्त से निकलता है, उस कृष्ण से मुक्ति का उपाय निकलेगा, अवश्य निकलेगा। कल आनंद आ गया, हम गोपियों ने जो किया उससे सबको ज्ञात हो गया है कि केवल उस माखन चोर और उसकी सेना ही माखन चुराने में कुशल नहीं। देखना आगे भी हम ही उनसे जीतेंगे। किंतु विजय को क्या लाभ हुआ राधा, आखिर माखन तो वो कृष्ण ले ही गया और तुमने तो स्वयं अपने हाथों से वो माखन दिया है, हमें तो कुछ नहीं मिला। समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा है ये सब हुआ कैसे। तुम इतना मत सोचो राधा, ये कान्हा की लीला किसी को समझ नहीं आती है। लीला नहीं छल है उसका, अवश्य उसने कोई जादू किया था, किंतु हर बार छल नहीं चलेगा। मैं इस कान्हा के छल का सच सबके समक्ष ला कर रहूंगी। चोर क्या कर रहा है? हे ईश्वर देखो तो, इसमें चकित होने की क्या बात है राधा,
गोकुलवासियों के लिए अब ये एक सामान्य बात है। आज कान्हा गुलेल चला रहा है और उसके मित्र दूध और माखन खा रहे हैं। कल कोई और गुलेल चलाएगा और कल कान्हा दूध और माखन का आनंद लेगा और तुम देखना इन गोपियों को इसका आभास तक नहीं होगा जब तक वो अपनी मटकी अपने मस्तक से नीचे नहीं उतारेंगी। ये अपने आप को समझता क्या है? अब मैं ऐसा और नहीं होने दूंगी। इस माखन चोर को पाठ तो पढ़ाना होगा। रहने दो राधा, तुम तो वो कान्हा से माखन तक नहीं ले पाई तो कैसे तुम उसे सबक सिखाओगी? गोकुलवासियों, मैंने आप सबको यहाँ पर एकत्रित किया है अपने मित्र विश्वान से मिलवाने के लिए। मित्र विश्वान हमारे निवेदन पर कुछ समय के लिए गोकुल में ही रहेंगे। मित्र विश्वान वरसाने के अधिपति हैं और वरसाने के समस्त कार्य और कर्तव्य इन्हीं के अधीन होते हैं। ये बहुत ही ईमानदार और समझदार व्यक्ति हैं। इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मित्र विश्वान, आपका हमारे गोकुल में स्वागत। और मैं ये आशा करता हूं कि गोकुल में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। और हां, समय समय पर मुझे तुम्हारा सहयोग मिलता रहे। इस गोकुल को अपना गांव ही समझो। नंदराज, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं, बिल्कुल भी नहीं। आपके मित्र दूसरे गांव से आए हैं, हमारे अतिथि हैं। यदि आपको सहायता की इतनी ही आवश्यकता थी तो पहले हम गोकुलवासियों के साथ विचार विमर्श करते ना, ना कि एक बार से आए हुए व्यक्ति के साथ। नंदराज, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप हम सभी गोकुलवासियों को मूर्ख समझते हैं, अयोग्य समझते हैं। नहीं धनपति सेठ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है तो सहायता हम गोकुलवासियों से मांगनी चाहिए थी ना भाई, है? किसी बाहर के व्यक्ति से नहीं ना। क्यों भाई, सही कह रहा हूं ना मैं? बिल्कुल सही कह रहा हूं ना? क्यों भाई, बिल्कुल सही कह रहा हूं ना मैं? हैं? बिल्कुल सही कह रहा हूं ना? देखो, हमारे गोकुल में भी बहुत सारे सामर्थ्यवान लोग हैं। क्या नाम है, वृषभान। तो वृषभान जी को गोकुल में रोकने की क्या आवश्यकता? हाँ हाँ सेठ, धनपति सही कह रहे हैं। आपको हमसे पहले इस विषय में विचार विमर्श करना चाहिए था नंदराज। मैं भी सहमत हूँ धनपति सेठ से। हाँ। गोकुलवासियों, आपको तनिक भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपके विमर्श के बिना कोई भी कार्य नहीं कर सकता हूँ। मित्र विश्वान को मैंने इसीलिए आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। और हाँ, यदि किसी को भी मित्र विश्वान के समझदारी और ईमानदारी पर संदेह है तो आप लोग मुझे बताइए, मैं उस संदेह को यहीं और इसी क्षण दूर करूंगा। हाँ हाँ हम सहमत हैं। हाँ हाँ हम सब सहमत हैं। बोलो। गोकुलवासियों, हम मित्र विश्वान के सामने गोकुल की एक जटिलतम समस्या रखेंगे। देखते हैं मित्र विश्वान इसका हल कैसे निकालते हैं। नंदराज, ये भी तो हो सकता है कि इस समस्या का समाधान हमारा कोई गोकुलवासी बड़ी कुशलता से निकाल दे। ठीक है धनपति, यदि तुम्हें ऐसा प्रतीत होता है तो तुम भी इस प्रतिस्पर्धा में भाग ले सकते हो। और अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकता मैं गुरुदेव, मुझे मेरे काल का अंत चाहिए। इस दैत्य का नाम अनारासुर है, इसका अग्नि पर पूर्ण नियंत्रण है।